एंड ये देखो गाइस, लिफ्ट में जा रही है बाइक। भाई साहब ये देखो इस लिफ्ट के अंदर बाइक चले गई है। देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो आप लोग चार्जेस क्यों बोल रहे हो? अगर कोई दूसरे बंदे को भेज रहे हो तो भेजो, नहीं तो फिर मैं कंप्लेंट कर देता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस आज का मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें चीज दिखाने लगा। आज मैं जा रहा हूँ पहले तो क्रोमा में एसी लेने के लिए। एसी क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ। और अभी फिलहाल मैं एसी क्यों ले रहा बताएगा, क्योंकि मेरे गाइस फैमिली आ चुके। पहले मैं फैमिली के साथ नहीं रहता था, एक्चुअली मैं पहले रहता था अपने दोस्त के पास पीजी में। मेरा दोस्त है उसका पीजी था, ठीक है गाइस। तो है सॉरी था नहीं है उसका पीजी, बट पूरा उसका पीजी फुल हो चुका है। ना तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई आपका दोस्त का पीजी है, हम लोग को वहाँ पे पुणे में आके काम करना है, तो आपके दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर दो, हम लोग भी पुणे में आके रहते। भाई मैं आपको बताऊँ, रिटली मैं और मेरे भाई ने जैसे पीजी छोड़ा ना भाई, इमीजिएट उसी दिन वो जगह भी फुल हो गया। सोचो इतना भाई, इतना फटक से पीजी फुल होता है मेरे दोस्त का। तो मैं इतना टाइम से पीजी में था, तो फिर मैं जितने भी वीडियोस आप देखें ना 2 महीने से, वो सारे पीजी में शूट्स किए। मतलब मैं आधे वीडियो पीजी में शूट्स किए, आधे रोड पे शूट्स किए, ठीक है। तो अभी आप लोग जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, वो है भाई मैं अभी अपने घर पे फैमिली के साथ। भाई अभी जस्ट मैं डिमांड गया था मेरी मम्मी के साथ, तो अच्छा खासा मेरा बहुत खर्चा हो गया फैमिली के साथ रहने का। तो भाई यही खर्चा होता है, बट इतना भाई फ़ायदा है कि भाई फैमिली का रहेंगे तो घर का खाना मिलता है। भाई 2 साल से पीजी में था मैं, तो मैं बाहर का ही खाना खा रहा था। बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी, बट ठीक है गाइस। अभी फैमिली के साथ आ चुका हूँ, अभी शिफ्ट हो गया। इसके लिए 4-5 दिन से मैं छुट्टी पे था और बाहर भी गया था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं हूँ पुणे में, क्योंकि एक दो बंदे ने कमेंट किया था आप मुंबई में किधर हो, हम लोग को मिलो। तो मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, अभी पुणे में हूँ। तो अभी जाने अपने को बेसिकली पहले क्रोमा में एसी लेने के लिए, ब्रांड न्यू एसी लेने गाइस। तो क्रोमा में जाते, कुछ थोड़े बहुत मेरे पास सेविंग्स है, तो डाउन पेमेंट करके या फिर कैश में जैसे कुछ देखते भाई कैसा क्या सीन है, तभी जाते हैं क्रोमा। भाई अभी जस्ट डिमांड जाके है, बहुत खर्चा हो गया भाई। तो अभी जाते हैं क्रोमा में न्यू ब्रांड एसी लेने के लिए, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बोलता हूँ फिर से एक बार भाई, पीजी मेरे दोस्त की है, पूरी पीजी फुल हो चुकी है ना, तो आप लोग कमेंट मत करना भाई, ठीक है। तो चलो अभी जाते हैं सीधा क्रोमा और देखते हैं भाई आज अपने को क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ खरीदी करनी है मेरे को, ठीक है। पूरा जो भी रहेगा ना वीडियो शूट करोगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस निकलते हैं। और ये पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये अभी फिलहाल मैं घर पे ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो सीधा भी जाते हैं क्रोमा। चलो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हमारे किचन में, आपको दिखाता हूँ भाई मेरे मम्मी ने कितना शॉपिंग किया। भाई एक तो अपन 20-30 रुपये से काम करते, ऑर्डर मारते, हफ्ते का पेमेंट 8-9-10 हज़ार पेमेंट आता है, और अपने घर वाले भाई एक ही टाइम में पूरा खर्चा कर जाते हैं। ये देखो गाइस मेरे हाथ में बिल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामान देखो भाई कितना शॉपिंग हो गया मेरे मम्मी ने। देखो भाई पूरे सेविंग मेरे को लगते है एक हफ्ते में सब खत्म होएगी। ये देखो गाइस, ये देखो ये कितना सारा शॉपिंग किया, ठीक है। ये हालांकि बैग में आपको इतना सा दिखता रहेगा, लेकिन हर एक का प्राइस है ना भाई 30-30, 40-40, 50-100, 100-200 प्राइस है, ठीक है। इतना सब सामान है, ठीक है। और ये भाई एसी चालू, एसी नहीं, ये जो मशीन चालू है ना, इसका आवाज़ बुर 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 आ रहा है, आई थिंक माइक की वजह से नहीं आएगा, बट भाई बहुत खर्चा हो गया, ठीक है गाइस। तो अभी आपको मैं बिल दिखा दो भाई कितना खर्चा किया है। टोटल हो गया है 9,423 रुपीज़, ठीक है। मैं भाई आप लोग को बोलने चाहता हूँ, जो भी बंदा अपने फैमिली के साथ अगर शॉपिंग कर रहा है, मीन्स घर का राशन विशन कुछ भी भर रहा है, तो भाई डीमार्ट से ही लेना, अच्छा खासा सेविंग होता है। देखो भाई इसमें 9,400 का मेरा टोटल बिल हो चुका है, ठीक है। इसमें मेरे को डिस्काउंट मीन्स पूरा डिस्काउंट हुआ रहेगा 2,200, इतना भाई डिस्काउंट हो गया। मतलब जो भी बंदा शॉपिंग करेगा ना, तो डीमार्ट से करना, ठीक है। तो चलो अभी निकलते क्रोमा में, मेरे को दिखाना था भाई घर वाले कितना खर्चा करते हैं। भाई अपन तो इतना धूप में काम करते हैं भाई, इतना बहुत कुछ परेशानी होती है, लेकिन घर वाले भाई क्या करे भाई, चलो ठीक है उतना तो होते रहता है। चलो भाई निकलते। गाइस ये है ना, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरे टोटल कितने सेविंग हुए, 2200 में कुछ तो बताया ना आपको। नहीं भाई, इसमें टोटल मेरी सेविंग हो चुकी है, मीन्स मेरे को इतना डिस्काउंट मिला। मैं आपको बताता हूँ, अगर भाई मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मैं यही जनरल स्टोर से या किराना दुकान से कहाँ से भी माल लेता ना, तो इसका टोटल बिल हो चुका है 9,423 ना, तो यही सामान मेरे को कम से कम दुकान में मिलता था भाई 12,000 के आसपास, ठीक है गाइस। तो इतना सब सामान लेने के बाद मेरे को कितना डिस्काउंट मिला, मीन सेव हो गया 2,593, मतलब 2,600 के आसपास मेरे को डिस्काउंट मिला है। देखो नीचे लिखा भी है सेव रुपीज़ 2,593.49 ओनली MRP, इतना भाई मेरे को सेविंग मिला है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई, जो भी सामान खरीद करोगे ना, वो डीमार्ट से करना होगा, स्पॉन्सर नहीं है, बट लेकिन मेरा था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर दूध कितने में मिल रहा है, 52 रुपीज़। अब वही नॉर्मल दुकान में कितने का मिलता है, 54 रुपीज़। मतलब हर एक चीज़ के पीछे भाई, हर एक प्रोडक्ट के पीछे 1-2 रुपये अपने को सेविंग मिलता है। तो ये मेरे को आपको बताना था, तो मेरे को 2,500 के आसपास मेरे को सेविंग मिला, ना कि 2,200। एंड गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं क्रोमा में, ठीक है। ये देखो सामने देखो, पार्किंग ओनली फॉर क्रोमा कस्टमर्स। तो चलो भाई अंदर जाते हैं, भाई बहुत लेट हो गया हम लोग को।
तो अभी हम लोग जस्ट आ चुके हैं क्रोमा में, तो देखते अंदर जाके क्या सीन है। और भाई ये बहुत बज रहा है यार, भाई बहुत हिट फेंक रही है। गाइस अभी मैं फिलहाल क्रोमा के बिल्डिंग के पास हूँ, तो ये भैया देखो अभी लिफ्ट से जाएंगे गाड़ी लेके अंदर, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं भाई। लिफ्ट के अंदर बाइक जा रही है भाई, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं आने के बाद। देखो गाइस लिफ्ट में जा रही है बाइक, भाई साहब ये देखो। एंड ये बंद हो रहा है भाई, ये देखो भैया जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। ये देखो गाइस लिफ्ट के अंदर बाइक चले गई है, देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, कौन से फ्लोर पे अभी जा रही है ये भाई इतना क्लियर दिख रहा नहीं है, माँ कसम गाइस लिफ्ट के अंदर बाइक गई। चलो भाई अपने को जाना है क्रोमा। एंड गाइस ये देखो हम लोग अभी आए एसी देखने के लिए, ठीक है। हम लोग को ये टाटा का तो एसी अच्छा लगा है, बट इसका प्राइस दिखा रहा है 45,000। ये देखो भाई देखते हैं भाई कौन सा अच्छा लगता है, हम लोग को तो यही अच्छा लगा है टाटा वोल्टास का, तो देखते हैं अभी क्या होता है। The next day. And guys, अपने पीछे है अपना AC का टेम्पो, उसको हम लोग लेके आए भाई। दो दिन पहले हम लोग ने AC बुक किया था, जो कि अभी अपने पास आ चुका है भाई। देखो अपने पीछे ही है, वो देखो। चलो भाई फाइनली गाइस AC आ चुका है। भाई इसको क्या हो गया, चलो इसको भी उतारते हैं ट्रक में से। गाइस फाइनली अपनी AC आ चुकी है भाई, अब इसको जाके ऊपर फिटिंग करना है। फिटिंग के लिए कोई दूसरा बंदा आएगा, तो अब इसको लिफ्ट में लेके जाना है और फिर देखते हैं भाई इसको कैसे लगाने का, क्योंकि इंस्टॉलेशन को कोई दूसरा बंदा आता है। एंड गाइस अपना AC तो गया अभी लिफ्ट से, तो मैं अभी जा रहा हूँ चल के, क्योंकि भाई AC उतना जगह नहीं था अपने क्या बोलते लिफ्ट में। एंड भाई अभी मैं जस्ट है ना बाहर गया था अपने दोस्त के साथ, मेरे भाई का मुझे फ़ोन है, उसने मेरे को बोला कि भाई इमरजेंसी काम है घर पे जा। मुझे लग रहा है कुछ तो भाई गड़बड़ है, कुछ काम नहीं है आई थिंक। मुझे लगता है AC फिटिंग वाला आके फिटिंग करके गया, क्योंकि भाई दोपहर को AC फिटिंग वाला आया था, बट उसने हम लोग को बोला कि भाई आपको चार्जेस लगेगा 2000 या 2500 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, फ्री में नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने बोला भाई हम लोगों को तो क्रोमा वाले ने बोला तो फ्री है, तो बोलते नहीं नहीं सर चार्जेस है, आपको चार्जेस पे करने पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है आप चले जाओ, दोपहर को जो आया था AC फिटिंग करने के लिए वो तो चलेगा, बट अभी मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो अभी जाके देखता हूँ। क्योंकि जब मैं दोपहर को फ्रेश हुआ और वैसे मैं चले गया बाहर, ठीक है, और जस्ट अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं घर पे जाके देखता हूँ भाई क्या सीन है। मुझे भी एक्सीडेंट मालूम नहीं है, मेरे भाई ने फोन करके मेरे को बोला फटाक से जल्दी घर पे जा भाई, एक अर्जेंट काम है। तो क्या काम है अर्जेंट मेरे को नहीं मालूम भाई। एंड गाइस अभी फिलहाल मैं वो लिफ्ट में अपने बिल्डिंग में लिफ्ट में भाई ऐसा ही है। चलो देखते कैमरा ऑन ही रखता हूँ मैं, मम्मी लोग को दिखा होगा नहीं कैमरा ऑन है, बट चालू रखूंगा। आई थिंक दरवाजा खुल रहा है, नीचे लेता हूँ कैमरा। ये देखो फिट आई थिंक फिटिंग हो गया है, ये देखो मुझे लगा था कुछ तो डाउट है, देखते हैं भाई क्या सीन है। ये देखो भाई हमारे घर पे AC फिटिंग हो रहा है, वो देखो भाई फाइनली AC लग रहा है, यस गाइस फाइनली AC फिटिंग हो रहा है। ये देखो पूरा भाई कचरा कचरा हो चुका है यहाँ पे, भाई अपने TV चालू है और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है और पीछे भैया ना आई थिंक कुछ तो काम कर रहे हैं भाई। थोड़े टाइम के बाद मस्त ठंडा ठंडा अपन हवा खाएंगे, चिल्ड हवा। देखो भाई गाइस फाइनली AC लग रहा है, मुझे डाउट था कुछ ना कुछ तो इशू रहेगा भाई, ये देखा ना मैं वैसे में समझ गया। वोल्टास का AC भाई इतना मेहनत करके इसको लगा रहे ना, क्या बात है आप लोग को। तो चलो गाइस इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एंड गाइस देखो कितना कचरा हो चुका है, हाँ भाई TV चालू है यहाँ पे और फिटिंग करने वाले भैया बाहर है, बट लेकिन देखो कितना मिट्टी मिट्टी हो गया, पूरा भाई मिट्टी हो चुका है। चलो ठीक है देखते भाई, ये देखो भाई जो भैया आए थे ना क्रोमा वाले वो वापस चलेगा लगता है, क्या मालूम कुछ तो इशू है लगता है, फिर आपको सेपरेट बोला लगता है। आप स्पेशल क्रोमा से हो गया, ओके ओके AC लग चुका है। ये देखो भाई क्या मस्त चिल चिल हवा रहा है, पूरा रूम है ना भाई पूरा टेम्परेचर ठंडा हो गया। मैं आप लोग को रूम टेम्परेचर दिखा रहा हूँ, पहले जब चालू किया ना AC का रूम टेम्परेचर तो भाई तब दिखा रहा था 31, अभी चेक करते ये देखो भाई अपने पास हाथ में AC रिमोट का। एंड ये देखो अभी फिलहाल दिखा रहा है 30, अभी थोड़ा बढ़ गया क्योंकि 29 हो रहा था, अब दिखा रहा है 30। तो भाई साहब फाइनली गाइस अपना AC लग चुका है मस्त, अभी वीडियो एडिटिंग करूंगा मैं AC में। पहले स्टार्टिंग में जब चैनल चालू किया था तब
धूप में बैठ के भाई एसी एडिटिंग कर रहा, मींस एसी नहीं, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, वीडियो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मस्त यहाँ पे टेबल लगाने का यहाँ पे, और एसी के सामने मस्त वीडियो अपने बनाने का, वीडियो एडिट करने का भाई, मजा आएगा यार, क्या चिल्ड हवा रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है गाइस, सब्सक्राइब कर देना। Two hours later. भाई देखो सब काम करने पड़ रहे, एसी वाले के पूरा साफ करने पड़ रहे यार, ठंडा ठंडा एसी का खाने पड़ रहे, पर अच्छे प्लेयर हैं, सब साफ सफाई करने पड़ रहा है भाई, क्या की बाउंसर लगी थी, मम्मी ने काम पे लगा हमारा, देखो कितना क्लीन की है, ये देखो भाई यहाँ पे कितना गंदा है, ये सीट पे देख लो, थोड़ी देर बाद इसको ही क्लीन करना, अभी इन लोग हंस रहे हैं, अच्छे से पोच तभी खाना मिलेगा। एंड भाई फाइनली अभी सब कुछ क्लीन करके, मतलब ये लादी बीदी पोच के कचरा निकल के अभी मस्त में यहाँ पे बैठा हूँ एसी के नीचे। एंड ये देखो भाई यहाँ पे मस्त कूलिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी सोने का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, मेरा भाई बोल रहा है मैं इधर सोगा, मैं बोल रहा हूँ उधर सोगा, क्योंकि इधर सो उधर सोगा तो भाई कूलिंग आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है भाई, लेकिन क्या मस्त चिल्ड हवा रहा है, एक नंबर मजा आ रहा है, खतरनाक। इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ये देखो गाइस एसी इधर है, दिख रहा है और थोड़ा बस, ये देखो ये है अपना एसी, फिलहाल फैन बंद है भाई, ये देखो ये फैन है, फिलहाल फैन बंद है, मस्त हम लोग बैठ के आईपीएल देख रहे हैं, आज पंजाब का मैच है ना, पंजाब वर्सेस डीसी, अगर डीसी जीत गया तो मुंबई को थोड़ा बहुत चांस है, तो देख लेते हैं बाद में, आपको मिलता मैं, ठीक है। घर पे एसी है ना, तो मेरी मम्मी है ना एसी का पार्टी दे रही है, मैंने मम्मी को दे पैसा, बोलते हाँ देती हूँ, पैसा कहाँ से है, तो मम्मी बोलती है वो तो दोपहर को भंगार सेल किया ना, पूरा घर पे बहुत कचरा हुआ था ना, भंगार का सामान था, तो वो सेल किया उसको 50 रुपया, तो 50 रुपए का मम्मी भी पार्टी देने ली एसी का। अरे बाबा क्या बोल लेगा, बहुत काम पे लगा एसी भाई, इतना मेहनत से लिया, इतना पैसा सेविंग किया भाई थोड़ा बहुत, और इतना बड़ा एसी लाया, और मम्मी पार्टी दे रही बंगार भेज के भाई, पैसा वो पैसे से पार्टी दे रही, क्या बोल देगा यार, घर वाले भाई ऐसे ही रहते हैं, सबके साथ ऐसे होते हैं, अगर आप लोग के इधर भी ऐसा होता है भाई कमेंट करो, मेरे को पता चले। गाइस चलो फाइनली भी ये वीडियो को एंड करते हैं भाई, दो तीन दिन से कंटिन्यू में वीडियो शूट कर रहा था भाई, एसी बिठाने का था अपने को, तो मैंने बिठा दिया फाइनली एसी के नीचे बैठ के भाई, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके लिए भाई देखो मैं नीचे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से मस्त तो ठंडा ठंडा एसी का हवा है, फ्लो यहाँ पे है ना, ये देखो भाई, ये देखो क्या मस्त हवा लग रहा है। तो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है ऑल पे क्लिक करना, ताकि वो घंटा रहता है उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और भाई बहुत मेहनत लगी भाई एसी लेने के लिए, मतलब लिया तो मैंने, कैसे लिया वो मैं किसी दिन बता दूंगा, ठीक है, बस लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ला लिया अपनी फैमिली के लिए भाई, जैसे फैमिली है ना भाई, बहुत खर्चे पे खर्चा हो रहा है, पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पे था, तो फिर मैंने नहीं इतना कुछ खर्चा किया, तो अच्छा खासा सेविंग था मेरे पास, तो मैं सोचा चलो कर देते, तो भाई घर वाले जैसे आए ना भाई, बहुत खर्चा हो गया, और मैं 1 वीक हो गया भाई, 1 वीक कंटिन्यू में छुट्टी पे हो, काम ही नहीं किया, आप लोग बोलेगा पर डे वीडियो डाल रहे हो, तो मैं ना पर डे वीडियो डाल रहा हूँ भाई, मेरे को मालूम था कि मेरे को काम करने जमेगा नहीं, इसके लिए मैंने पहले सारे वीडियो शूट करके रखे थे भाई, अपने को पता था कि एक बार फैमिली आ गई ना तो अपने को कुछ काम करने मिलेगा नहीं, बहुत सारे काम रहते भाई, तो हम लोग कम से कम 3 से 4 बार क्रोमा गए, तो भाई तब जाके हम लोग इसी फाइनली फिट हो गया भाई। इसके पहले दोपहर को एक आए थे, उन लोगों ने बोला कि हम आपको इतना चार्जेस लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो मेरे भाई ने उनको वापस कॉल किया, उन्होंने बोला हम लोग को तो भाई फ्री में फिटिंग करके मिलने वाले, तो आप लोग चार्जेस क्यों बोल रहे हो, अगर कोई दूसरे बंदे को भेज रहे तो भेजो, नहीं तो फिर मैं कंप्लीट कर देता क्रोमा में, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर आपका एक बार बिल भेज दो, हम किसी को भेजते हैं बंदे को, आपका फिर फिटिंग कर देते। फिर फाइनल हम लोग का एसी भाई फिटिंग हो गया भाई। ये एसी लगाने का कारण ये था कि भाई बहुत बेकार गर्म होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने अभी शिफ्टिंग किया ना वहाँ पे बहुत मीन्स बहुत हीट मारता है, और ये एसी कुछ टाइम बाद मैं किसी और जगह पे लोकेशन पे शिफ्ट करने वाला हूँ, तो अपना काम का इसके लिए मैंने हम लोग ने लिया भाई, तो वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं, अगर जरा सा भी अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत, एंड गाइस जितना हो सके भाई गाड़ी सेफली चलाना, आराम से चलाना, डेली भाई बैग टी शर्ट और हेलमेट लेके काम करना, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे को कुछ और बोलने का था लेकिन मैं भूल ही गया भाई, क्योंकि फ्लो में बोलता है ना तो कुछ समझते नहीं क्या बोलता हूँ, और भाई बार बार नहीं कैमरा में ऐसे ही पकड़ रहा हूँ, मेरे को सामने दिखता हूँ ना मोबाइल के नीचे ऐसा दिखता हूँ तो समझते कि हाँ भाई अपना मोबाइल का कैमरा ऐसे ऊपर आ गया, तो ठीक है भाई। अभी आपको ना डेली कॉन्टेंट देखने मिलेगा ना, उसका वीडियो का एंडिंग आई थिंक मुझे लगता है अपने घर पर ही देखने मिलेगा,
ठीक है भाई, अभी मेरे को लगता है मैं सारे वीडियो है ना यहाँ पे एंड करूँगा, ऐसा मेरे को लगता है। बट ठीक है, अभी फिलहाल घर पे बहुत शांत है क्योंकि मैंने घर पे बोल के रखा है आवाज़ मत करो, कुछ मत करो, नहीं तो बहुत आवाज़ आ रहा है। तो बाय बाय, चलो बाय बाय।